दिल्ली गालिब अकेडमी में हकीम अब्दुल हमीद की याद में उनके जन्म दिवस के मौके पर एक लेक्चर का आयोजन किया गया, जिसमें हकीम साहब के जरिए मुस्लिम एजुकेशन और यूनानी के प्रमोशन के लिए उनके सहयोग को लोगों के सामने रखा गया। गालिब अकेडमी के सेक्रेटरी अकील अहमद ने हकीम अब्दुल हमीद को गैर मामूली शख्सियत करार देते हुए उनके कंट्रीब्यूशन को बेशकीमती बताया, जबकि हकीम साहब की शख्सियत पर डॉक्टर आबिद रजा बेदारी ने रोशनी डाली। हकीम अब्दुल हमीद साहब की शख्सियत गैर मामूली थी। उन्होंने कारोबार किया और कारोबार हर आदमी करता है, उससे जो इनकम होती है उन्होंने वो सारा का सारा कौम पर खर्च किया। उनका एक विज़न था ज़िंदगी का, जीने का, जिस सादगी से वो रहते थे, जिस सादगी से वो सारा काम करते थे, वो बहुत गैर मामूली था, हर आदमी में नहीं हो सकता।